स्वागत है आपका कासिम मोटर चैनल में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि सिलेंडर ब्लॉक को बोर कैसे किया जाता है। यहाँ पे ये मशीन रखा हुआ है बोर करने वाला। सिलेंडर का जो लाइनर जो कटिंग होता है ये इसी के द्वारा होता है। इसमें हम नया पिस्टन डाल रहे हैं, ये 25 नंबर का पिस्टन है और ये हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 मॉडल का सिलेंडर। हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 आपने खोला है तो इसमें आपको CD100SS वाला ही पिस्टन लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, या फिर KCC मॉडल कह के ही आप इसमें डाल सकते हैं। ये GN5 वाला मॉडल हुआ। तो इसको बोर कैसे करना होता है और बोर क्यों कराते हैं ये भी आपको बता दे रहे हैं। जैसे बाइक धुआं मारने लगती है, रिंग खराब हो जाता है, इसका पिस्टन रिंग खराब हो जाता है, घिस जाता है, तो इंजन ऑयल जाहिर सी बात है कम होता है, और इंजन ऑयल जब कम हो जाएगा तो ये सिलेंडर भी घिसने लगता है, सिलेंडर में काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच आ जाता है। और यही स्क्रैच ख़त्म करने के लिए हम लोग बोर कराते हैं। और पता है कि जब भी रिंग घिसता है तो साथ में ये पिस्टन भी इसके अंदर लूज पड़ जाता है, लूज पड़ता है और पिस्टन आवाज़ आने लगता है। तो हम लोग बोर में क्या करते हैं कि पिस्टन जो स्टैंडर्ड साइज़ का लग के आता है कंपनी से, तो उसके बाद हम लोग ओवर साइज का पिस्टन डालते हैं, जिसमें कि ये 25 साइज देखिए लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड साइज जैसे 0 साइज होता है, छोटा साइज होता है, और 25 साइज जो होगा जैसे थोड़ा सा 0 साइज से ये बड़ा होगा, तो ये पिस्टन इसके अंदर नहीं पाएगा, अंदर की ओर ये नहीं जाता है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग कटिंग कराते हैं इसी मशीन के द्वारा। अब जब कटिंग कराएंगे तो अंदर में जो भी स्क्रेचेस वगैरह होगी वो सभी खत्म हो जाती है कटिंग से, और उसके बाद पॉलिश भी होता है। तो चलिए बताएंगे किस तरीके से इसको बोर करना होता है और कितना एमएम ये बोर होता है वो भी हम जान लेते हैं, क्योंकि ये तो 25 नंबर का सिर्फ पिस्टन है ये हम लोग जानते हैं, लेकिन ये कितना एमएम का पिस्टन होता है इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं होती है। तो इसके बारे में सीधा बात करेंगे यहाँ के जो लैथ वाले मैकेनिक है उन्हीं से हम बात करेंगे, ठीक है। तो आगे इस वीडियो में बने रहिए। देखिए पिस्टन हम लोग जो लगाते हैं, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ये 10 नंबर का ये पिस्टन हुआ ओवर साइज, यानी कि 25 नंबर का ये पिस्टन हुआ, लेकिन पिस्टन में यहाँ पे साइज भी लिखा हुआ है। ये देखिए सिलेंडर डाई लिखा हुआ है यहाँ पे, सिलेंडर डाई 50 mm का, यानी कि इसका जो सिलेंडर होता है गाइज ये 50 mm का होता है। अब उसके बाद ये 50 नंबर तो वो कंपनी ने दिया, अब उसी को हम अगर बोर कर रहे हैं तो ये 50 प्लस 25 इसमें जुड़ जाएगा, देखो ये 25 साइज का ये इधर हो गया, ठीक है ना। सिलेंडर 50 mm ही रहेगा लेकिन 25 साइज का हम एक्स्ट्रा इसको हम बोर कर रहे हैं इस पिस्टन को डाल के, ठीक। तो यही साइज होता है बोर का, तो ये फर्स्ट 25 हुआ। रिंग है, रिंग भी बड़ा साइज है, अभी जब उसको कटिंग करेंगे तो रिंग का साइज बन जाएगा और पिस्टन भी अंदर की ओर जाने लगेगी। सिलेंडर को इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बैठाया जाता है बिल्कुल बराबर, तभी सिलेंडर अच्छे से बोर हो पाती है। हेडाई टूल्स चलो, ये टूल्स है, पिस्टन कितना बोर होगा, सिलेंडर कितना बोर होगा उसका ये साइज बनाते हैं यहाँ से। ये हो गया डाई का साइज, ये हो गया 50, जैसे डाई का साइज है, यहाँ से हमको 25 कटिंग करना है, 25 से हम जैसे 5 mm कम रखते हैं। 10 नंबर हुआ 25 ना, नहीं 20 नंबर हुआ 25, जैसे 25 हुआ यहाँ मेरा, ठीक है, लेकिन हम 20 इसका 5 mm कम काटते हैं वो पॉलिश करने के लिए। पॉलिश के लिए हाँ 5 mm कम कर, ये A2Z बोर करता है, उसके बाद 5 mm अपने हाथ के लिए रखते हैं, 5 mm या तो कभी 6 mm जितना आपका मर्जी है वो रख सकते हो। असल इसी का रोल होता है भाई, अगर आपने ये चीज़ सीख लिया तो आप सिलेंडर ब्लॉक को बोर कर लेंगे। अगर ये आपने गलत सेटिंग कर दिया तो चाहे कम सिलेंडर कटिंग होगा या फिर ज़्यादा कटिंग हो जाएगा, तो लूज हो सकता है। इसलिए कि हम रखे हैं अभी इसको 20, 5 mm रखे हैं अपने हाथ में घसने के लिए। अच्छा थोड़ा ये थोड़ा और इधर आएगा जाए ना घिसने के बाद, पॉलिश के बाद वहाँ, पॉलिश के बाद यहाँ आ जाएगा। साइज बना हुआ कुछ नहीं करना है, सिर्फ जिस तरह है देखिए इसका सब घाट बना हुआ है सब। अच्छा बस अंदर डालिए, इस तरह बैठा दीजिए आप, थोड़ा सा मशीन नीचे कर लीजिए हल्का,
देखिए अंदर जो ब्लेड लगता है कुछ इस तरीके से ब्लेड लगता है। देखिए मशीन चालू हो गया है और कटिंग भी शुरू हो गया। देखिए बहुत ही बारीक सा, बहुत ही हल्का सा कटिंग होता है ये। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसी से पता चल जाएगा। देखिए गाइस जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच दिखाई दे रहा होगा, मोटा कटिंग हुआ है ये। अब इसी को फिनिशिंग करने के लिए अब इसको यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। अब देखिए पिस्टन अंदर की ओर जाने लगी, ये चेक किया जाता है कि कितना टाइट पिस्टन है अभी। और उसके बाद रिंग को भी हम चेक करते हैं, रिंग का क्या साइज है, कहीं ज़्यादा बोर तो नहीं हो गया या फिर ज़्यादा टाइट तो नहीं हो गया, इसको हम चेक करते हैं। टाइट है ना। चलिए अभी और इस पे ये वाला लगेगा। बोलो क्या आ रहा, तो ये लास्ट है। अब इसका रिंग चेक कर सकते हैं, रिंग बिल्कुल ठीक ठाक है गाइस, बिल्कुल जीरो साइज है, जरा सा भी मैंने गैप नहीं रखा है। पिस्टन को चेक किया जाता है कि पिस्टन कितना टाइट जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सिलेंडर ब्लॉक को बोर करा सकते हैं, या फिर आप नहीं जानते कि बोर क्या होता है तो आप लोगों ने देख लिया कि सिलेंडर ब्लॉक को बोर कैसे किया जाता है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमें फेसबुक पेज को फॉलो करने के साथ ही ऑल पे क्लिक करके रखना, तभी हमारे सारे वीडियो आप लोगों तक पहुँचेगी।